जब किसान यहाँ से जाएगा उसके ऊपर फूल बरसते जाएंगे। जो सरदार लोगों को जिस तरह से बेइज्जती कर एक कम्युनिटी को बदनाम करने की साजिश करी उसका पर्दाफाश होगा और किसान और सरदार उसकी पगड़ी पे आँच नहीं आने दी जाएगी। न कोई भारतीय डरेगा, न ये किसान डरेगा, न ये सरदार कौम डरेगी। जिस तरह से सरदार कौम को पूरे देश में बदनाम करने की साजिश थी उसका खुलासा होगा। ये आंदोलन होगा, न ये आंदोलन हटेगा, न ये किसान हटेगा। हमारे जो इशू है उस पर भारत सरकार बात करेगी। पंचायत होगी और जब पंचायत हो जाएगी उसके बाद तो हम बता देंगे। लोग आपके लिए जो पानी लेके आए हैं, क्या ये एक गेम चेंजर साबित होगा इस आंदोलन के लिए जो कल आपने कदम उठाया? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। बहुत बड़ी तादाद में जो आएंगे लोग आएंगे, ये आंदोलन किसान का है। हाँ। आंदोलन किसान का, आम आदमी का आंदोलन नहीं रहेगा। सर, विपक्ष की पार्टियों ने आज बजट के राष्ट्रपति के अभिभाषण का जो आपके सपोर्ट में किसानों के सपोर्ट में विरोध किया है, उनका करना चाहिए जो उनको करना है हाउस में करे हुए। और प्रियंका गांधी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी जिस तरह से समर्थन का ऐलान किया, नहीं करा है समर्थन, हमें समर्थन बीजेपी के लोग भी दे रहे हैं, वे यहाँ आ नहीं सकते, उनका समर्थन भी आए थे। उनने ये कहा कि भाई कोई दिक्कत है, मगर ना हम अपनी सरकार से यहाँ पे बात करेंगे और हमसे ये नहीं, हम चाहते कि वहाँ से हमको पानी रो दिया, आप अपने क्षेत्र में लगवा दो जो लोग यूज करना चाहते कर सकते हैं। और हम यहाँ से ही कहेंगे कि प्रशासन यहाँ की जो व्यवस्था थी वही करे। कोर्ट में आज दाखिल करने वाले थे वो वकील होंगे हमारे, वे लोग बात कर रहे होंगे। साहब, आपके पास रेबल फाउंडेशन के 11,96,00,000 लोग आपको अपना समर्थन देने के लिए तैयार है, आपके कार्य को लेकर पूरे बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में रेबल सदानंदपति अपने फाउंडेशन को से पूर्ण सपोर्ट आपको दे रहे हैं और अंत तक आपको देते हैं आपके लिए। आप किसानों का आंदोलन नहीं, ये नौजवान का आंदोलन है, ये पूरे अनाज तिजोरी में बंद न हो ये उसका आंदोलन है। सर, क्या आप चाहेंगे कि अब जो सिंगू टिकरी है कोई बॉर्डर नहीं टूटेगा, सरकार बात कर ले, कोई बॉर्डर नहीं टूटेगा, हम बात करेंगे, आप सरकार से बात करेंगे, बातचीत से इसका समाधान देंगे, हम सरकार से बातचीत करेंगे। खिलाफ वारंट उसको मैं भुगतूंगा, जो आदमी है, जो ट्रैक्टर आए, जो लोग आए, जो 20,00,000 लोग दिल्ली में आए, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, पूर्ण रूप से मेरी जिम्मेदारी है। उनमें अगर कोई मेरे किसान ने तोड़ फोड़ कर, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, जो सजा देगी मैं कानून को मानूंगा, मैं सजा। तो क्या आप गिरफ्तारी देंगे फिर अगर गिरफ्तार करने आए? नहीं नहीं, उनको आने की जरूरत नहीं, मैं खुद गिरफ्तारी देता हूँ। लाखों जगह से पानी आ रहा है, ठीक है साहब, जिस तरीके से पानी राजनीतिक नहीं है, आज एक नेता यहाँ पे आए, ये राजनीति नहीं, मंच पर है जी, ऊपर कोई नहीं आया जी, मंच पर ही आया, नीचे आया, सड़क सबकी है जी। अच्छा, वो किस लिए आए थे? नहीं नहीं, वो आए थे कि भाई आपके लिए दिक्कत हुई है तो हम आगे। ठीक है साहब, कल रात के अंदर ये जो कार्रवाई होने का, ये तरह से जबरदस्ती या थ्रेट देने के लिए, क्या किसान डर जाएगा इस तरह के थ्रेट? कोई नहीं डरेगा, ना किसान डरेगा, न कोई भारतीय डरेगा, न ये किसान डरेगा, न ये सरदार कौम डरेगी। जिस तरह से सरदार कौम को पूरे देश में बदनाम करने की साजिश थी उसका खुलासा होगा। काला बिल तो वापस होकर ही रहेगा किसानों के दौरान, ये हमारे इशू है जी, ये होगा, ये होके रहेगा, पूर्णता होके रहेगा, हमारी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलते रहेंगे, आगे भी चल रहे। और मेरी सभी से जहाँ जहाँ पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं, जो पीसफुली आंदोलन रखे, जो यहाँ का संयुक्त मोर्चे का कॉल है उसको ध्यान दें। नहीं नहीं, हमारे ऊपर भी हमारे लोग थे वहाँ पे नीचे, मतलब पुलिस प्रशासन यहाँ पे हमला कर रहा और एक सत्ता पक्ष के लोग वहाँ से हमला कर रहे हैं, दो विधायक जो चुने गए जनता ने चुने, ये जो गलत गलत था। आपके आंखों के आंसू जो है लोगों के दिल में जन सलाब बना के उत्पन्न हुआ है, आपकी भावनाओं से पूरा देश आज ओतप्रोत हो चुका है। सोशल मीडिया आपके सपोर्ट में, मुझे वो देखा था जी, कि जिस तरह से जो हमारे बुजुर्ग वार थे जी, जो सरदार लोग हैं, जिस तरह से वे डरे हुए थे, जिस तरह पे उन पर लाठियां चलती है जी, जब ये यहाँ से ट्रैक्टर ट्रोले लेकर जाते, मैंने सरकार को कहा कि मैं सरेंडर कर दूंगा, मैं यहाँ पे अपनी गिरफ्तारी दे देंगे, लेकिन जिम्मेदारी मेरे जो लोग यहाँ पे मेरे विश्वास पे बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी उनके घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी लोग है। लेकिन हमें था कि जब पिलखपुर में को, जब हापुड़ में को, और जब वहां तक जाते, बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता उनके ऊपर पत्थर फेंकते हैं। अभी भी किसान कोई नहीं होगा, ना किसान डरेगा, ना किसान डरेगा,
उन बीजेपी विधायकों के बारे में कहना चाहेंगे? वो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे जी, जो उन्होंने हिंसक बढ़ाने का काम करा जी, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। सर एक तारीख का नहीं है सर, आपके स्वास्थ्य सिक्के में क्या दिखाई है, बीपी के बारे में बताया गया? ठीक है, आए थे चेक करवाए जी। ये जी बीपी हाई हो गया था, कैसा है तबीयत कैसे? नहीं नहीं ठीक है ठीक है, ठीक है। लाल किले उसके खिलाफ कार्रवाई करो, कौन आदमी है उसकी जांच हो, उसकी एक महीने की कोई रिकॉर्डिंग कराई जाए, उसकी जांच हो पूरी और वो देश के सामने आए जी। किसानों को जो बदनाम किया जा रहा है, कोई ना किसान बदनाम होगा, ना किसान बदनाम होगा, ना देश का सरदार बदनाम होगा। ये तो एक राजनीतिक षड्यंत्र के अंतर्गत षड्यंत्र कुछ भी होगा, यहाँ से सम्मान के साथ में जाएंगे जी। ये जो छोटू राम जी ने 1945 में कहा था जी कि पगड़ी संभाल जी, ये आज किसान की पगड़ी संभालने का सवाल है जी। इसमें कोई जाति धर्म है वो नहीं है, किसान के मान सम्मान की लड़ाई है। अगर किसान यहाँ से हार कर जाएगा, जिस तरह का उनका षड्यंत्र था उसमें किसान फंस गया, तो 20 साल तक देश में किसान आंदोलन नहीं होगा। सर बीते दिनों में सरकार ने कुछ लोगों ने आपके धंधे को खराब करने की कोशिश की? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, वो हमारे लोग नहीं थे। ये आंदोलन जारी होगा, नए आंदोलन हटेगा, नए किसान हटेगा, हमारे जो इशू है उस पर भारत सरकार बात करेगी। कोई नहीं रुकेगा, कोई ट्रैक्टर नहीं रुकेगा, जो भी ट्रैक्टर जहाँ पे है सब आगे बढ़ो, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं आगे बढ़ेंगे, कोई नहीं रुकने का। योगी सरकार से हमारा ये जो हमारा दिल्ली सरकार ने समर्थन दिया है उससे मैंने बोलेंगे, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश सरकार से है, हम यहाँ पे हैं, हमारी जो फैसिलिटीज थी, हमारा जो पानी है वो हमें दे दो। एक दिन का टाइम है, अगर वो पानी नहीं देते तो कल हम अपनी जमीन में यही सबमर्सिबल करेंगे, अपने जनरेटर अपनी बिजली की व्यवस्था करेंगे। तो यहाँ पे भी होगा कि जवाब दे दे, कोई भी एलआईयू इंटेलिजेंस का आदमी है या तो दे दे, नहीं तो आज ही मशीन आएगी, यहाँ पर अपने सबमर्सिबल करेंगे और अपने जो पानी की व्यवस्था है वो हम हमें जमीन हमारी है, हम अपनी जमीन का पानी ही पियेंगे। वो कहावत साबित होगी कि अपने घर में कुआ खोद कर पानी पीने की हिम्मत इस किसान में है। हम देश को अनाज दे सकते हैं अपने खेत में पानी खोल के, जो यहाँ पे किसान आया है यहाँ का ही पानी यूज करेगा, या तो दो घंटे उनको जवाब दे दे पानी, या तो उत्तर प्रदेश सरकार दे दे, नहीं तो मशीन मंगवाते हैं यहाँ पे समय से भी लोगे और हम यहाँ का ही खोदा हुआ पानी पियेंगे। दिल्ली सरकार ने ये कहा कि हमारी जो सीमा है वहाँ पे लगे हुए हैं, जो उसका यूज करना चाहता है कर सकता है। मनीष सिसोदिया जी ने कहा था कि पानी बिजली के अलावा आपको कोई भी चीज की जरूरत पड़ता है तो नहीं, हमें जरूरत होगी तो मना लगे, उनको धन्यवाद जो उन्होंने कहा। नहीं, हमें दिल्ली की सीमा का टैंकर इधर नहीं चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश सरकार का ही पानी चाहिए, या फिर हम अपनी जमीन का पानी ही खोद कर पियेंगे। अभी एलआईयू जो उनके लोग होंगे वो बुलवाए होंगे, उनसे हम पूछ लेंगे, अगर वो नहीं होंगे तो हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे। अभी बातचीत करेंगे, अधिकारी को बुलवाए ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में आया, जो 20 लाख आदमी दिल्ली में आया उसकी पूरी जिम्मेदारी राकेश टिकैत लेता है। जो भी नोटिस होंगे, जो भी मैंने गड़बड़ करी है, अगर मेरे किसान ने करी है, जितनी सजा होगी मैं भुगतूंगा। सर आप कह रहे हैं किसान किसान बेइज्जती होकर जाएगा, किसान सम्मान के साथ में दिल्ली से जाएगा, जब किसान यहाँ से जाएगा उसके ऊपर फूल बरसते जाएंगे। जो सरदार लोगों को जिस तरह से बेइज्जती कर कर एक कम्युनिटी को बदनाम करने की साजिश करी उसका पर्दाफाश होगा, और किसान और सरदार उसकी पगड़ी पे आँच नहीं आने दी जाएगी। हम भारत सरकार से बातचीत करेंगे, जो हमारे इशू है उसमें बातचीत होगी और उस पर एक समझौता जो होगा, उसी समझौते के बाद में हम यहाँ से इन बॉर्डरों को खाली करेंगे, और जब पूरे बॉर्डर खाली हो जाएंगे उसके एक दिन बाद में ये बॉर्डर खाली होगा। पंचायत पूरे देश में पंचायत हो रही है, जैसे रिपोर्ट आएगी हम आपको बताएंगे।